ये है दोस्तों हमारा 8 मॉड्यूलर का बोर्ड। ये है हमारी वेस्टर्न वेगा की बटन, जो कि हम वेस्टर्न वेगा की बटन ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। आइए हम बताते हैं इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों इसमें मैंने पूरी कलर कोडिंग के हिसाब से वायरिंग की है, जैसा फेस, न्यूट्रल और अर्थ। ये देखिए, ये हमारा फेस हो जाएगा जो कि बटन से ऑपरेट है, जो हम एक बटन से दो सॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं। ये हम टीवी के लिए लगाएंगे और एक बटन से एक सॉकेट, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, मैंने जो इसमें वायरिंग करी है, वायरिंग करने का सबसे अच्छा सिद्धांत देखिएगा कि न्यूट्रल, ये एन दिख रहा है आप लोगों को, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल लगाया है और ये एल लाइन लिखा है, जो ये देखिए लाइन एल दिख रहा है, ये लाइन की जगह लाइन का वायर लगाया हूँ मैंने। इसकी वायरिंग के लिए सबसे अच्छा कारण यह है कि मैंने इसलिए कोडिंग में किया हूँ कि आप लोगों का पूरा समझ में आए। ये हमारी अर्थिंग, ये हमारी लाइन और ये हमारा न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इधर समझाता हूँ जो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा लाइन, ये हमारा न्यूट्रल, जो कि हम इसमें जो न्यूट्रल आएगा बोर्ड का, इसमें हम इसमें जोड़ देंगे, और अर्थिंग हम इसमें जोड़ देंगे, और लाइन का कंट्रोल हम ये बटन से करेंगे। कभी भी वायरिंग करिएगा तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि लाइन की जगह लाइन लाइएगा और न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल। ये जो एन दिख रहा है छोटा, हाँ ये देखिए, ये न्यूट्रल, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल लाइएगा, लाइन की जगह लाइन लाइएगा। क्या होता है कि जैसे हम इन्वर्टर के कनेक्शन करते हैं उसमें हमें दिक्कत नहीं जाती है, अगर कई बार हम अल्टी पल्टी कर देते हैं उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, लाइन की जगह लाइन लाइएगा और न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल लाइएगा। अब इसलिए कोडिंग मैंने इसमें की है, ठीक है दोस्तों। समझने वाली बात यही थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अच्छा समझाया है। कमेंट करके जानकारी दीजिएगा, कोई जानकारी या सुझाव होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपका दोस्त राधेश्याम पटेल अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन बालाजी में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा दोस्तों। जय बालाजी।